गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बेसिक मैथ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी भी नंबर को 100 से हम कंपेयर कर रहे हैं या किसी की भी वैल्यू हम 100 में से निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पर हो गया और सेंट। सेंट मतलब क्या हो जाता है, जैसे सेंचुरी, और सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100। तो पर 100 मतलब कि किसी भी नंबर की वैल्यू अगर हम 100 में से निकाल रहे हैं कि वो चीज़ कितनी है, तो वो उसकी क्या होगी, परसेंटेज होगी। और परसेंटेज का सिंबल जैसे कि हम सभी को पता है, ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं परसेंटेज के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 1/25। अब इसको परसेंटेज में कैसे करना है या परसेंटेज से इसका क्या रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस 25 को हम क्या करेंगे, 100 बना देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, पर 100 में से। तो 25 को 100 हम कैसे कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। तो हम ऊपर भी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/100। या फिर हम सिंपल कह सकते हैं कि ये कितना हो गया, 4%। तो 1/25 का ये परसेंटेज में कितना आ गया हमारा, 4% आ गया। तो हमें सबसे पहले दो चीज़ें सीखनी है, एक सबसे पहले किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया 1/4 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4/25 और 1/25 आ जाएगा हमारा 25%। तो हमने देखा कि परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज से करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सीखनी है वो है कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। जैसे अभी हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करना है, तो हम सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देते। अब हम देखेंगे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 30% का, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 30 को 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि अगर हमें ये परसेंटेज का साइन हटाना है तो हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे 100 से डिवाइड करना होगा इसे। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 3/10। या फिर से हम डेसिमल में भी देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 0.3। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 25%। तो यहाँ पे भी सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 25/100। तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 25 1 25 और 25 4 100। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास आ जाएगा 1/4। अब नेक्स्ट है हमारे पास 16 2/3%। तो सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं, ये फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 16 3 48, 48 + 2 50, तो ये हो जाएगा 50/3%। अब फिर से हमें परसेंटेज हटाना है तो हम क्या करेंगे, 50/3, और इस परसेंटेज को हटा के यहाँ पे नीचे में 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस नंबर के साथ। अब 50 1 50 और 50 2 100, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 1, और 3 × 2 हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमारे पास फ्रैक्शन में कितना आ गया, यहाँ पे 1/6 आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है, जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 8 is what % of 40, मतलब कि 8 जो है वो 40 का कितना परसेंट है। तो इसे करना कैसे है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 40 में से हमारे पास कितना नंबर है, 8, उसकी परसेंटेज निकालनी है हमें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8/ में जिससे कंपेयर किया हुआ है, जिसे 8 को 40 से कंपेयर किया हुआ है, तो हम लिखेंगे 8/40। और ये हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अब हमें इसे किस में करना है, परसेंटेज में। तो हमने सीखा था कि हमें क्या करना है, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को। अब जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 4 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, और 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 × 10 ये आ जाएगा हमारे पास 20%। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। नाउ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी सिमिलर एकदम क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा है 40 is how much % of 20, मतलब कि 40 20 का कितना परसेंट है। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, जिससे कंपेयर किया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे।
और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू जिस जो हमें निकालना है उसे ऊपर रखेंगे 40, और इसे परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से 0 और 2 2 2 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 100, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 200%। नेक्स्ट हम कुछ थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन देखेंगे इसी में। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 20 इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन 50। 20 जो है वो कितना परसेंट लेस है 50 के कंपैरिजन में। तो फिर से हमें वही करना है जो जिससे हमें कंपेयर करना है, मतलब जिसके आगे देन आ रहा है उस वाले नंबर को हम नीचे लिखेंगे। अब ऊपर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि किस नंबर को कंपेयर करना है, हाउ मच परसेंट लेस देन 50। 20 कितना 50 से लेस है उस नंबर से कंपेयर करना है। तो हम ऊपर क्या करेंगे, अगर जब भी लेस देन आता है या मोर देन आता है तो हमें दोनों नंबर्स को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। जैसे कि बड़ा नंबर है हमारे पास 50, उससे 20 को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो ऊपर हमें वही लिखना है जो हमारा डिफरेंस आ रहा है नंबर का। इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में आ चुका है हमारा आंसर, अब हम परसेंटेज में करेंगे। तो किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, और ये 30 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 60% हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो 20 है वो 50 से 60% लेस है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें पूछा है 50 इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन 10। मतलब किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, देन किसके आगे लगा हुआ है, 10 के आगे लगा हुआ है, तो इसे हम नीचे लिख लेंगे। इसके बाद पूछा है कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे 50 और 10 का। तो 50 − 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास अब फ्रैक्शन में आ चुका है, तो हम परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 × 100 कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 25% ऑफ 48 प्लस 50% ऑफ 120 इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ 1200। मतलब क्वेश्चन का ये है कि 48 का 25% को अगर हम ऐड करें 120 के 50% के साथ, तो एक्स परसेंट कितना होगा 1200 का। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 25% ऑफ 48, तो इसे कैसे लिखना है, 25 और परसेंटेज हटा के हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से फ्रैक्शन ही है, तो इसका परसेंटेज हट के यहाँ पे 100 आ जाएगा नीचे, और ऑफ की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और यहाँ पे 48। फिर नेक्स्ट हमारा एडिशन है, तो हम ऐड करेंगे, और फिर है 50% ऑफ 120, मतलब कि 50 और परसेंटेज का साइन हट जाएगा नीचे, हमारा 100 आ जाएगा, और ऑफ मतलब कि × 120, और इज इक्वल टू में क्या आना है, एक्स परसेंटेज ऑफ 1200। मतलब अगेन एक्स परसेंटेज हटा के हमारे पास नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ मतलब कि × 1200। अब हम इसे क्या करेंगे, जैसे 25 × 1 = 25 और 25 × 4 = 100 एंड ऑल्सो 4 × 12 = 48, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 12 आ गया हमारे पास। फिर क्या है, ऐसे ही ये कट जाएगा, 50 × 1 = 50 और 50 × 2 = 100 और ऑल्सो 2 × 60 = 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 × 60 हमारे पास कितना बच जाएगा, 60 बच जाएगा, और यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो इधर हमारे पास बचेगा 12x। अब यहाँ पे 60 + 12 कितना हो गया, 72, और इधर है हमारा 12x। तो x की वैल्यू यहाँ से इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 72, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 12 × 6 = 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। तो मतलब कि 6% ऑफ 1200 किसके इक्वल होगा, 25% ऑफ 48 प्लस 50% ऑफ 120। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है 14.28% ऑफ 49। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये नंबर खुद ही एक डेसिमल में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ऑफ की जगह हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अगेन अभी परसेंटेज का साइन गया नहीं, क्योंकि हमने इसे बस खाली फ्रैक्शन में चेंज किया। इसके बाद हम फिर से करेंगे, अब इस परसेंटेज को साइन को हटाने के लिए हम 100 से नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे × 49। अब हम इसे अगर सोल्व करने चले तो हमारा जो है काफ़ी टाइम जो है वो
वेस्ट हो जाएगा इसको सोल्व करने में। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, अगर हमें 14.28% की वैल्यू पता हो तो 14.28% को हम क्या लिख सकते हैं, 14/2/7% ऑफ 49, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/7% ऑफ 49। तो अब हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, 1/7 × 100, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा × 49। तो यहाँ पे 7 × 7 = 49 आ जाएगा हमारे पास, और इसको सोल्व करके कितना आएगा, 7/100। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन में आ गया। तो अगर हमें क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने हैं तो हमें क्या याद करना होगा, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी होगी। जैसे 14.28 या फिर 14/2/7 को हम क्या कह सकते हैं, 1/7 कह सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, कुछ बेसिक परसेंटेज जो है उनकी फ्रैक्शन टर्म्स हमें याद करनी होगी। अगर हमें परसेंटेज में जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो हमें कुछ ये बेसिक परसेंटेज याद करनी पड़ेगी। जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 100%, 1/2 को 50%। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है उनके हमें परसेंटेज याद करनी होगी। एक बार हम देख भी लेते हैं कि ये परसेंटेज कैसे आई है। जैसे 1/2 से हम स्टार्ट करते हैं, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में करने के लिए 100 कर देंगे। तो यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ये सिंपल इसी तरह से सारी परसेंटेज बनाई हमने। जैसे 1/3 को भी देख लेते हैं, तो 1/3 × 100, या फिर इसे लिख सकते हैं 100/3। तो इसे भी हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33, 1/3%। 1/4 को देखते हैं, तो 1/4 को भी ऐसे ही करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 20 = 100, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 25%। ऐसे ही अगर हम 1/5 का सोल्व करेंगे, 1/6 का कितना आ जाएगा, 16/2/3%। 1/7 के लिए 14/2/7% आ जाएगा। 1/8 का आएगा 12/1/2%। 1/9 का आएगा 11/1/9%। 1/10 के लिए सिंपल 10% ही आ जाएगा। 1/11 का 9/1/11%, और 1/12 के लिए 8/1/3%। तो हमें क्या करना है, 1/12 तक इन सारी परसेंटेज को लर्न करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये जो हमने परसेंटेज को ड्राइव किया हुआ है, इनसे हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं और बड़ी परसेंटेजेस का। जैसे हमारे पास है 11/1/9%, इसे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/9 लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ से देखा था। तो अगर मान लीजिए हम दोनों साइड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 44, और इससे भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/9%। और इधर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/9। तो हमने देखा कि 4/9% को भी हम इसी चीज़ की हेल्प से 4/9 लिख सकते हैं। ऐसे हम किसी को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 25% को हमने लिखा हुआ है 1/4। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हमने मान लीजिए यहाँ पे भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 125%। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कोई बड़ा परसेंटेज आ गया, उसे हमें जल्दी से फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 444 4/9% निकालना है किसी चीज़ का, तो अगर हम परसेंटेज से करेंगे उस क्वेश्चन को तो काफ़ी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हमें इसकी फ्रैक्शन पता है ये कितना है, तो हम काफ़ी जल्दी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे करना होगा, इन्हीं की हेल्प से हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले 444 4/9%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 400 + 44/9, इसे हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 100% मतलब कितना होता है, 1, तो 400% मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फर्दर यहाँ पे 44 4/9 है, तो यहाँ पे ये किसके सिमिलर दिख रहा है, इस वाले के सिमिलर है, 11/1/9% के। या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ इन सब में से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11/1/9% आ जाएगा। तो इसे अब क्या कर सकते हैं, 4 यहाँ पे 4 और 11 1/9% का मतलब होता है
वन अपॉन नाइन, तो यहाँ पे मतलब कि वन अपॉन नाइन आ जाएगा। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, फोर प्लस फोर अपॉन नाइन, या फिर इसे हम एलसीएम लेके अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 प्लस 4 40 अपॉन 9। तो 444 4 अपॉन 9% को हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, 40 अपॉन 9 फ्रैक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और दो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, जैसे 37 1 अपॉन 2% को क्या लिखते हैं हम, हमेशा 3/8 लिखते हैं फ्रैक्शन में, और 57 1 अपॉन 7% को क्या लिखते हैं हम, 4/7 लिखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 3 अपॉन 11%। अब इसे भी हमें क्या करना है, जल्दी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमेशा क्या करना है, जो तीसरे वाला नंबर है अगर थ्री डिजिट में है तो इसे अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा मेरा 200% प्लस 27 3 अपॉन 11%। अब क्या होगा, 2% को हम क्या लिख सकते हैं, खाली 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 27 3 अपॉन 11। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसकी परसेंटेज बनेगी इसमें से, तो ऊपर वाले दो में से जो हम कॉमन ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, उसे कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 11। ठीक है, इतना परसेंटेज रहेगा। तो 9 1/11% किसका होता है, तो 9 1/11% होता है 1/11 का। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/11 लिख सकते हैं। तो 2 + 3 इंटू 1/11, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3/11, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और इसको जब हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन लेकर के, तो ये कितना हो जाएगा, 22 + 3, तो 25/11। तो इसे फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, 25/11 लिख सकते हैं।